सरकारी ड्यूटी के दौरान नीली ड्रेस में फोटो वायरल होने के बाद बैंक अधिकारी योगेश्वरी गोहिते ओंकार परेशान हो गई हैं। योगेश्वरी ने कहा कि चुनाव के दिन की उस तस्वीर को लोग पता नहीं क्यों इतनी तरजीह दे रहे हैं। सोशल मीडिया अकाउंट पर आ रही फ्रेंड रिक्वेस्ट से योगेश्वरी परेशान हो गई हैं। इसी वजह से अब वो अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट बंद करने के बारे में सोच रही हैं। योगेश्वरी गोहिते कैनरा बैंक में काम करती हैं और रविवार को छठे चरण के मतदान के दौरान वो भोपाल के ITI पोलिंग बूथ पर मतदान अधिकारी की जिम्मेदारी के रूप में वहां अपनी ड्यूटी कर रही थी। वे पोलिंग बूथ पर पहुंची ही थी कि वहां मौजूद कैमरामैनों की नज़र उन पर पड़ गई। गर्मी और धूल के बीच एक हाथ में फैशनेबल बैग और दूसरे हाथ में बैलेट यूनिट लेकर खड़ी योगेश्वरी कैमरे को देखकर मुस्कुरा दी थी। उनकी यही तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इस दौरान पत्रकारों ने गोहिते से बात करने की भी कोशिश की, लेकिन उन्होंने ड्यूटी का हवाला देते हुए बात करने से इनकार कर दिया था। बाद में जब मतदान खत्म हुआ तो उसके बाद भी उनसे बात करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने मीडिया से बात नहीं की। सोमवार को एक अखबार से बात करते हुए उन्होंने कहा कि लोगों की उनके फोटो के प्रति दिलचस्पी को देखकर वो काफ़ी हैरान हैं। उन्होंने कहा कि मैं जिस तरह के पसंद करती हूँ वैसे ही कपड़े पहनती हूँ। मेरे पास कोई फैशन रोल मॉडल नहीं है। कपड़ों से किसी महिला को परिभाषित नहीं करना चाहिए। यह हमारी व्यावसायिक और काम की नैतिकता है जो मायने रखती है। रविवार को चुनावी ड्यूटी के बाद योगेश्वरी गोहिते ने सोमवार को आराम के लिए छुट्टी ले रखी थी, लेकिन मीडिया ने उनके घर का पता लगा लिया और वहाँ पहुँच गई। योगेश्वरी ने कहा कि कोई मेरे साथ सेल्फी लेना चाहता है तो कोई मुझे हर मिनट सोशल मीडिया पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है। लगता है कि मुझे अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर प्राइवेसी लगानी पड़ेगी। मैंने तो सिर्फ अपनी ड्यूटी ही की थी। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।